नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। ओआरओपी धरने से ठीक पहले आई बहुत बड़ी खबर, 22 जुलाई ओआरओपी पर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके लिए नए और बेहतरीन वीडियो हमेशा लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है और इस लेटर की कॉपी माननीय रक्षा मंत्री, माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और रक्षा सचिव महोदय और सचिव महोदय को ये लेटर की कॉपी भेज दी गई है। और इस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि 23 जुलाई 2023 को यानी कल जंतर मंतर दिल्ली पर वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों की विशाल रैली व प्रदर्शन किया जाएगा। सुनवाई नहीं किए जाने पर संसद का घेराव और जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों की ओआरओपी में जो विसंगतियां हैं और उनकी जो अन्य मांगे हैं उनको लेकर कल जंतर मंतर पर यानी 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जाएगा, उसको लेकर ये लेटर लिख दिया गया है पूर्व सैनिकों की तरफ से कि सरकार जो है हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें और इन मांगों को पूरा किया जाए। अगर आप भी वन रैंक वन पेंशन और पूर्व सैनिकों की अन्य मांगों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए सभी पूर्व सैनिकों के साथ में। वहीं जो ये भी सूचना दी गई है कि जो वर्चुअली मीटिंग हुई थी उसमें निर्धारित किया गया था कि 23 जुलाई रविवार को सभी पदाधिकारीगण 8 बजे तथा बाकी सदस्य 9 बजे तक जंतर मंतर पर पहुँचेंगे और जंतर मंतर पर रैली के लिए संगठन को मिली जिम्मेदारियों की एक ब्रीफिंग होगी और जिम्मेदारियों निर्धारण किया जाएगा। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।